बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को जेडीयू का बिना शर्त समर्थन होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में अग्निवीर मुद्दे को लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, नई सरकार का गठन कल होने वाला है और अब तक आपने देख लिया होगा कि जब से चुनाव के परिणाम आए हैं तब से जब हार की समीक्षा होने लगी, हालांकि इसको हम हार तो नहीं कहेंगे क्योंकि गठबंधन की तो जीती हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को अपने दम पे बहुमत का बहुत मतलब उनको विश्वास था, भरोसा था कि भाजपा अपने बलबूते पे ही बहुमत का आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी। हालांकि ये हम में से तो किसी को नहीं लग रहा था लेकिन बहुत लोगों को लग रहा था, लेकिन जो देशभक्त हैं या जो इंडियन आर्मी से हैं या ऐसे लोग जो अपने नेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना को लेकर उनके मन में बहुत मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना घर कर गई थी कि ये सही तो नहीं हुआ है। तो उसी का नतीजा हमें वोट के माध्यम से देखने को मिला। भले ही यहाँ एनडीए तो जीत गई लेकिन भाजपा को पूर्ण जो बहुमत है वो नहीं मिला। चलिए ये पॉलिटिकल मुद्दों को इनको रख दीजिए एक तरफ। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी जी को अपनी सरकार बनाने के लिए दो अहम सहयोगियों की जरूरत पड़ी है, तो उसमें से जो जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा ही अग्निवीर का उठा दिया है। और अब कहीं ना कहीं ये हमें भी विश्वास हो चला है कि अग्निपथ योजना इंडियन आर्मी से वापस या तो रोलबैक होगी या जो 25% है उसको बढ़ा के 50% होगा। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मतलब मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि अग्निपथ योजना ही इंडियन आर्मी से रोलबैक हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसी योजना की वजह से भाजपा ने अपना जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जाके 80 लोकसभा सीटें वहाँ खोया, प्लस महाराष्ट्र वहाँ खोया, उसके बाद राजस्थान में खोया, जहाँ की पहले राजस्थान में देखा उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, 25 की 25 सीटें उनको पहले, इससे पहले जो दो लोकसभा के चुनाव हुए वहाँ उनको 25 में से 25 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार जनता ने थोड़ा सा उनको एक सचेत भी कर दिया कि अगर आपने बहुत ही जल्द अगर आपने अग्निपथ योजना वापस नहीं ली, अगर अग्निवीर की जगह अगर आपने परमानेंट भर्ती नहीं किए तो इसका खामियाजा अब आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है शायद उनमें भी उनको भुगतना पड़ सकता है। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा ये गलती को दोहराएगी और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अग्निपथ योजना के ऊपर में कोई ना कोई अच्छा सा डिसीजन सरकार जरूर हम लोगों के समक्ष लेके आएगी। हालांकि कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसके बाद में परसों या हफ्ते भर के अंदर में हमें अग्निपथ को लेके कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आप लोगों क्या लगता है अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, एनडीए गठबंधन को बहुमत मिली है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने वाले हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव कई मुद्दों ने एनडीए गठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित किया है। वहीं इन मुद्दों के साथ अग्निवीर योजना भी एक ऐसा मुद्दा थी जो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के डाउनफॉल का एक कारण बनी है। हालांकि शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन ये वादा करती रही कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा, लेकिन अब खबर है कि एनडीए सरकार भी इस योजना के बारे में फिर से सोच विचार कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने पहले ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से अग्निवीरों पर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। वही अग्निपथ स्कीम में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और इनमें से 25% को परमानेंट होने का मौका मिलता है। साथ ही रेगुलर सैनिकों को जहां सालाना 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहीं अग्निवीर को सालाना 30 दिन की ही छुट्टी मिल पाती है। साथ ही युवाओं का कहना यह भी था कि उन्हें एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और ग्रेजुटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे, जो कि उनकी नज़र से ठीक नहीं था। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस तरह के जो मुद्दे हैं इन्हें अब गठबंधन की सरकार में आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। अब केंद्र सरकार के समीकरण बदलने से इन पर काम होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।